अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं शक्करपारे। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और कितने मज़ेदार से खस्ता खस्ता से हमारे शक्करपारे बनकर रेडी हुए हैं। तो देखते हैं कि शक्करपारे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने 3 कप मैदा ले लिया है, मैदे का आटा लिया है, उसमें 3 टेबल स्पून रवा ऐड कर देंगे। डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब 2 पिंच इसमें नमक ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालती हूँ वो आप तक पहुँच पाएगी। अब देखिए, इनको मिक्स करने के बाद मैंने 1/2 कप इसमें गरम किया हुआ घी ऐड किया है। मैंने देसी घी का यूज़ किया है, आप कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को गरम कर लेना है, एकदम धुएँदार गरम भी नहीं करना है, गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गरम करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारे जो शक्करपारे होते हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर रेडी होते हैं। तो गरम है इसलिए मैंने स्पून से इसको पहले मिक्स कर लिया था, अब हाथों से हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, आटे में हर जगह घी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इस तरह से मुट्ठी बांधकर देखना है आपको। देखिए, मुट्ठी बन रही है, मतलब घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें पाउडर शुगर ऐड कर देंगे। 3 कप मैंने आटा लिया था मैदे का, तो 2 कप मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। अब इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो शक्करपारे होते हैं वो चाशनी से भी बनाए जाते हैं। पहले शक्कर की चाशनी बना ली जाती है, उसके बाद उस पानी से आटे को गूंथते हैं। तो अगर आप वो तरीके से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, बट मैं इंस्टेंट शक्कर पारे बना रही हूँ तो इसमें मैंने डायरेक्ट शक्कर के पाउडर को मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका हार्ड डो गूंथ कर तैयार कर लेंगे। इसका जो आटा होता है वो सख्त गूंथना पड़ता है, नरम नहीं गूंथना चाहिए इसका आटा, वरना शक्कर पारे ख़राब हो जाएंगे। और ज़्यादा पानी इसमें नहीं लगता है, कम पानी में ही जल्दी से ये गूंद कर तैयार हो जाता है। तो हाथों से इस तरीके से मुट्ठी मारना है और इसको गूंद लेना है हमें अच्छे से। आप चाहे तो दूध से भी इसको गूंद सकते हैं, बट दूध से गूंद कर अगर आप बनाओगे शक्करपारे तो ज़्यादा दिन तक आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने देते हैं। देखिए, 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो इतना सख्त मैंने गूंदा है इसको। अब इसके मैंने 3 पार्ट्स कर लिए हैं। आप चाहे तो इस पर सूखा आटा लगा ले या फिर एज इट इज़ भी आप इसको बेल सकते हैं। तो इस पर आटा लगा लिया है मैंने सूखा, आपको बताने के लिए। आप बगैर आटे के भी इसको बना सकते हैं। अब इसको रोल कर लेना है, मोटा ही रोल करेंगे, पतला रोल नहीं करना है। और जो इसके किनारे हैं फट रहे हैं वो चलेगा, वो कटिंग में चले जाएंगे। तो इनकी किनारियों को पहले हम कट कर लेते हैं, इसको शेप दे देते हैं। चौकोन शेप दे रही हूँ मैं। और बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब ये शक्करपारे बिल्कुल स्टोर जैसे बनकर रेडी हुए थे, जैसे बाहर स्टोर में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये बने थे। तो देखिए, मैं इसको चौकोन शेप में कट कर रही हूँ। आपको जो भी शेप पसंद है आप अपनी चॉइस से इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे शक्करपारे हम कट कर लेंगे। और आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये बनकर खाने में कैसी लगती है। तो देखिए, इतना मोटा मैंने रखा है, इतना ही मोटा रखना है, इससे पतला इसको नहीं करेंगे हम। अब तेल को गरम कर लेना है। पहले तेल को अच्छे से गरम करना है। जब तेल गरम हो जाए तो मीडियम फ्लेम कर देनी है और एक एक करके शक्करपारे ऐड करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। इनको बिल्कुल भी हाथ लगाना नहीं है, चम्मच से चलाना नहीं है, वरना ये टूट सकते हैं। तो देखिए, फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं, इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। अभी ये थोड़े सॉफ्ट है, ये जैसे जैसे ठंडे होते हैं खस्ता होते जाते हैं, तो आप इसको फ्राई ही मत करते रहिएगा कि ये नरम है, कड़क नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, सारे शक्करपारे ठंडे भी हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं खस्ता खस्ता से। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
तो फिर मैं मिलते रहूंगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज के साथ। आप इसको स्टोर कर रख सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में। अल्लाह हाफिज।